अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैथ 401 आपसे शेयर कर रहे थे और इसकी फाइल नंबर जो है हम जो है अब आपसे शेयर करेंगे 3। पहले हमने पास्ट पेपर जो फाइल्स हैं वो शेयर की थी, अब जो है सॉल्व ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपसे शेयर करेंगे पास्ट पेपर जो फाइल्स हैं मैथ 401 की। तो पहले हमने सब्जेक्टिव भी शेयर किए, सब्जेक्टिव शेयर किए उससे पहले तो हमने कुछ फाइल्स शेयर की हुई थी, अब सब्जेक्टिव शेयर की है और अब आपके साथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव शेयर करेंगे। वीडियो को ज़रूर देखें कंप्लीट, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अक्सर जो पेपर है पास्ट पेपर में से ज़्यादातर आता रहता है, तो ये करंट पास्ट पेपर है वो आपसे शेयर करेंगे। तो मैथ 401 का आपने इसको स्टडी खुद करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस फाइल को मैं अपडेट करता जाऊंगा, लेकिन आई रिक्वेस्ट एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन होगा उसको दबा के आल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली भी वीडियो आसानी से आपको मिल सके। और दूसरी रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक और एक कमेंट अपने जैसा ज़रूर कर दें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं आप लोगों को ये फाइल्स और इस तरह से चीज़ें अपडेट कर रहा हूँ कि आप भी इनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपने इसको जो है अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और अब मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाऊँगा, फाइल को अपडेट इस तरह से करता रहूँगा और आप इसको स्टडी करते जाएंगे।
जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके ऑब्जेक्टिव थे वो फिनिश हुए। आगे आपसे सब्जेक्टिव शेयर करते हैं, मैट्रिक्स वैल्यू वाला, ठीक है। और ये क्वेश्चन है और आपका आंसर भी दिया गया है और बताया भी गया है। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व बाय द शाइनिंग स्टार्स, ठीक है। क्वेश्चन मिसिंग दिस पुट इज द हियर इज द रेफरेंस। इसका कुछ क्वेश्चंस पुटिंग गलत भी हुई हुई है, मतलब जो है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हम ठीक करेंगे, क्योंकि मिसिंग इसलिए है कि ये हम मैं टाइम में जब किया था तो इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने, वेक्टर वाला क्वेश्चन है और जो है कि आपने ये कर लेना है, 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आगे भी यही चीज़ें हैं, इसके अंदर भी रेफरेंस है और मिसिंग ये चीज़ें कुछ मिसिंग की गई हैं और वो भी आपने डिस्कस करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में आता है अक्सर। पर इसी का क्वेश्चन का सलूशन जो है वो आपको मैं बताने लगा हूँ, वही क्वेश्चन जो आपका जो मैट्रिक्स वाला बात कर रहा था, ठीक है। और गिवन इज बिलो, तो ये वाला क्वेश्चन है 39 वाला, ये एक क्वेश्चन याद रख लें। उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको जो भी इसका रिजल्ट फाइंड करना है तो आप इस क्वेश्चन के साथ आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ई डी इज डी वाई माइनस सी डी और इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ ओफ एक्स एंड 1 इक्वल टू 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हम नीचे आपको देते हैं। मैंने इसी टाइप का पहले भी एक करवाया है क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपकी 2 वैल्यूज़ क्रिएट की गई हैं और इसको अलग अलग करके हमने इसको सॉल्व करना है। तो अलग अलग क्या करेंगे कि जब आप ये क्वेश्चंस लिखेंगे, आपने ये चीज़ें लिख लेनी, अब इसके ऊपर आपने इक्वल लगा देना, यानी कि आपके पास यहाँ पे इक्वल मिस है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, यानी कि इधर ये माइनस हो रहा था, इधर आके ये प्लस हो गया। अब अलग अलग करके इसके इंटीग्रेशन लेंगे तो इसकी वाई आ जाएगी, और इंटीग्रेशन लेते लेते सॉल्व करते आपका 7x+ ये आ जाएगा। अब इसको एफ एफ एक्स इक्वल टू 0 के बराबर रख के आप लोगों ने भी सॉल्व करना है, यानी कि एज ए टाइम आपने 0 मान लेना है और आपने इसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर ये भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और फाइंड दिस मैट्रिक्स एक्स 4x की पावर 2y एंड 4x-y, और ये इक्वेशंस दी गई हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता रहता है, और ये हमने इस तरह से जो है कि इसको क्रिएट किया है, और ये आप लोगों ने देख लेना है, और बाकायदा इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी आप लोगों ने देख लेनी है, ठीक है, अच्छी तरह से। ये हैंड आउट्स की हमने कॉपी करके इधर फेंका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके आंसर जो थे वो हम ये आपको बता रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है लेकिन आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद जी का आंसर, एफ का आंसर, ये सारे सारे आंसर जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं। जी डी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर आता रहता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आसान सा है और इसको मैंने आपको बताया भी है, थोड़ा सा डेरिवेटिव लेके और इसको एक्सप्लेनेशंस इसकी करनी है, और लेक्चर भी देख लें इसका कौन सा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में अक्सर आता रहता है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो है कि सॉल्यूशन वगैरह भी नीचे सारा मैंने बताया हुआ है।